गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। स्टोरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे आज फिर एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मित्रों मेरा ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं और दोनों में से कोई नहीं मालूम तो नाम राशि से देख सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि आप वैसे चंद्र राशि से और लग्न राशि से दोनों से देखें और दोनों से अच्छा आता है। अगर आपका जैसे आपकी मान लीजिए राशि मेष है और लग्न मीन है तो आप मीन से और मेष दोनों से देखिए, या आपकी राशि तो सिंह है और लग्न तुला है तो आप दोनों से देखिए और देखिए दोनों से अच्छा आ रहा है तो बाकी भी बहुत ही अच्छा होगा, और एक से अच्छा आ रहा है एक से बुरा आ रहा है या कम अच्छा आ रहा है तो फिर मध्यम टाइप का लाभ रहेगा आपका, और दोनों से बुरा आ रहा है तो फिर निस्संदेह बुरा ही होगा, फिर तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए जो कि जिससे आपका ग्रह ईश्वर और सब कुछ प्रकृति जो जिसको आप कहें प्रसन्न कर सकें। एक्चुअली तो आपका अंतरात्मा आपका मन प्रसन्न होगा, फीलिंग आपको होगी और उसको आपको अच्छा फल मिलेगा ऐसा लगेगा। लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा हुआ वो मिलेगा, तो पूजा पाठ से या किसी उपाय से आप उसको भाग्य को बदल कह सकते हैं, नहीं बदल सकते, जो लिखा है वही है लेकिन आपको मालूम नहीं है क्या लिखा है। तो आप समझ लीजिए आपने पूजा पाठ किया तो अच्छा हुआ आपका, तो आप ये कहेंगे मैंने पूजा पाठ किया से अच्छा हुआ है, और खराब हुआ तो कह सकते हैं भाई मैंने तो बहुत कोशिश की थी, मेरी तकदीर में ये लिखा था मैं क्या करूँ। तो तकदीर का लिखा बदलता तो कोई नहीं है लेकिन पूजा पाठ वगैरह से आपका मानसिक आपको जो है खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो उससे आपकी फीलिंग अच्छी होती है और आपको फील अच्छा होता है, आपके खराब में भी आपको अच्छा फील होगा। तो ये सब उपाय जो है आपको मानसिक सुख शांति देने के लिए होते हैं। ये सही है कि कोई उपाय भी जो आपके कर्म लिखा हुआ विधि लिखा जो आपके लीला कहते हैं ना जो आपके तकदीर में लिख गया वो बदल कर सकता है। जो जहाँ मरना है जिस दिन मरना है वो बदल नहीं सकता, आप उसके डर के मारे परेशान हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत असर ये अनुभव किया, मैं 82 साल का हो गया, मैंने बहुत तरह तरह के दुख और बहुत तरह तरह की बाधाएं देखी हैं। मैं 76 से हार्ट पेशेंट रहा, मेरे बाईपास हुआ, मेरा बीमार प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरे साथ बहुत परेशानियाँ, यानी नौकरी में भी प्रमोशन में भी दिक्कतें आई, वहाँ भी मानसिक तनाव हुआ, वो सब मैंने झेला और अपने को पूजा पाठ से व्यस्त रखते हुए अपने मन को ठीक रखा, मानसिक परेशानी नहीं आने दी, मैंने इच्छा शक्ति को बहुत दृढ़ रखा, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखा और सारी बाधाओं को मैंने झेला पार किया। और उन दोनों ही बाधाओं को झेलते हुए देखिए मैं बीमारी में हार्ट पेशेंट सब कुछ होते हुए मैं विदेशों में गया, पेरिस गया, यूके गया, स्वीडन गया, जर्मनी गया, इटली गया, पाकिस्तान गया, कितनी जगह मैं जाना पड़ा साइंटिफिक उसके प्रोग्राम्स में, और मैंने इसकी परवाह नहीं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। और देखिए उसके बाद मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, ये मेरे देखिए मैं रिटायरमेंट के बाद इथोपिया चला गया था, 18 साल सर्विस की मैंने वहाँ पर। तो अब देखिए मैं इथोपिया से ही 2009 में मैं यहाँ आया तो मुझे पैरालिसिस का अटैक हो गया, और सबके मना करते ही कि 5-6 महीने से पहले हाथ पैर नहीं हिलेंगे, लेकिन मैं अपनी इच्छा दृढ़ शक्ति स्ट्रॉन्ग से बस 1 महीने करीब देखिए मैं 6 अगस्त को यहाँ आया था और 28 सितंबर को वापस हो गया। वो सब
क्योंकि विश्वास, दृढ़ विश्वास प्रकृति पर, ईश्वर पर रखिए आप, इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखिए। देखिए कुछ नहीं आपका नुकसान हो सकता। उसके बाद फिर देखिए मैं दोबारा, फिर 2015 में मेरे दो स्टंट पड़े, और फिर देखिए 2022 में फिर मुझे पैरालिसिस हुआ, और मैं देखिए अब फिर आपके सामने ठीक ठाक बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ। फिजिक्स के वीडियो बहुत बनाए, लेकिन मैंने देखा फिजिक्स के कोचिंग क्लासेस वगैरह की वजह से लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पैसा देके जो जो मुफ्त में मिल रहा है उसको लोग नहीं देखते, जहाँ पैसा देके होता है ना वहाँ तो फिर। लेकिन मैं अब ये ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी जो मेरा हॉबी था असल में बचपन से ही, हाथ देखना, ज्योतिष का देखना, न्यूरोलॉजी, होम्योपैथी, इस सब में मैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति ईश्वर के, प्रकृति के प्रति, और डेली योगा करना, अपना नियम से रहना, वॉकिंग एक्सरसाइज, और देखिए मैं ईश्वर की कृपा है, और मैं आप लोगों की डेली सेवा कर रहा हूँ, डेली यह वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ ना कुछ जो भी मेरे समझ में आता है, जो भी ज्योतिष का ज्ञान है जिससे आपको लाभ हो वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो अब देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ इस समय, मेरी चर्चा का विषय क्या है, मैं विषय बताऊँ आपको, और उसके बाद फिर आगे बात की जाएगी। देखिए अभी जो है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे इस प्रोग्राम में, जो मेरा थंबनेल क्या है, देखिए भाई अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, अब देखिए मैं कॉमन डेट निकाल रहा हूँ, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल बुध और शुक्र साथ साथ रहेंगे। पहले आएंगे बुध और डेट अलग है, लेकिन जब कॉमन डेट, जब बुध और शुक्र दोनों ही मीन राशि में, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल साथ रहेंगे, तो देखिए बुध का और शुक्र का दोनों की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बहुत ज़्यादा लाभकारक होता है, और देखिए शुक्र का मालव्य राजयोग भी बनेगा, तो कुछ राशियों को तो जो केंद्र में बैठ करके जहाँ शुक्र बैठते हैं, अब ये बुध और शुक्र दोनों ही हैं, बाकी और ग्रह की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बुध और शुक्र, और डेट भी फिक्स है 9 अप्रैल से 25 अप्रैल। इस दौरान बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, बहुत ही लाभकारी योग है वो, देखिए लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी मैंने बुध जो है नारायण के स्वरूप है और शुक्र जो है लक्ष्मी के स्वरूप मानते हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया, और शुक्र केवल शुक्र का केंद्र के भाव में मालव्य राजयोग बन गया। तो अब ये कौन कौन सी राशियाँ इस 9 अप्रैल से 25 अप्रैल के टाइम, यानी अप्रैल का महीना बहुत ही भाग्यशाली है सभी के लिए, तो अब मैं अभी मैं जो और आगे फिर और कुछ बताऊँगा, पर अभी इस समय बता रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण योग से या मालव्य राजयोग से 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वही गजब का हो रहा है कुछ लाभ, किसको हो रहा है, कौन क्या पा रहा है। देखिए मेष राशि के लिए तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, देखिए 12वें भाव में, तो 12वां भाव देखिए यानी बुध और शुक्र, 12वां भाव में देखिए राहु भी है वहाँ पर, तो मैं राहु की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो अलग बात कर चुका हूँ, मैं तो बुध और राहु, बुध और शुक्र की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण योग बनता है विदेश भाव में, तो भाई मेष राशि को लाभ मिलना है तो विदेश से लाभ मिलना है, विदेश नौकरी का समाचार आ सकता है, अगर आप इस लायक हैं विदेश जा सकते हैं, विदेश व्यापार में तरक्की हो सकती है, अगर विदेश में व्यापार है तो विदेश में आपको व्यापार में तरक्की मिल सकती है। लक्ष्मी नारायण योग से धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विदेश से मिलेगा भाई, 12वें भाव में मेष राशि के लिए, तो आप विदेश जाने के लिए तैयारी कर लीजिए, बैग संभालिए, आपका पत्र या आपका मेल मैसेज आता ही होगा, तैयारी कीजिए और विदेश से धन कमाइए, खर्चा भी होगा, देखिए आपका खर्चा भी होगा और खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा विदेश से। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको 12वें भाव में बनता है, और ख़ास तौर से बुध और शुक्र दोनों को ही विदेश व्यापार, विदेश नौकरी से, विदेश संबंध, आपका विदेश में कोई मित्रता हो सकती है, देखिए राहु साथ बैठे हुए हैं, वो उसका चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं,
राहु और शुक्र का साथ होता है होने से तो और क्योंकि आपको थर्ड पार्टी यानी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए, उससे बदनामी हो सकती है, आपकी दोस्ती किसी अपोजिट सेक्स के हो सकती है, स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री से, उससे आपको देखिए कुछ पुराने दोस्त मिल सकते हैं आपसे, लेकिन आपको हानि यानी आपको समाज में आपको थोड़ा सा मान सम्मान में कमी आ सकती है भाई, तो उससे होशियार रहिएगा आप किसी भी। और देखिए आप अभी शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, विदेश से व्यापार कर रहे हैं, शुक्र की वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, हीरे जवाहरात ज्वेलरी का, साड़ी सौंदर्य प्रसाधन का, यानी आप जो कि जो भी चीज़ें सौंदर्य बढ़ाती हो, ऐसी क्रीम ऐसी जो वस्तु हैं उन सब से आपको विशेष लाभ मिलेगा, विदेश से आपका व्यापार बढ़ेगा। तो आप देखिए मेष राशि के लिए तो है फायदा तो है, लेकिन विदेश से है 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, लेकिन सावधानी बरतिए, शुक्र का और राहु का संबंध भी बन रहा है तो वो संबंध आपको बदनाम न कर दे प्रेम प्रसंगों में। और देखिए अगली राशि जिसके लिए 12वीं राशि यानी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है लाभ भाव में, वो है वृषभ। वृषभ राशि के लिए अच्छा है क्योंकि वो लाभ भाव में बन गया, लाभ भाव में बुध शुक्र बैठ करके भाई लक्ष्मी नारायण तो धन की वर्षा होगी, और आप भगवान विष्णु को और खुश करना चाहते हैं तो डेली मैं तो समझता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, बृहस्पति को खास तौर से व्रत रखिए, केले का पूजन कीजिए, पीले वस्त्रों का इस्तेमाल कीजिए, पीला चंदन लगाइए, पीली चीज वस्तु पीला अन्न गाय को खिलाइए, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम विष्णु के विष्णु स्वरूप आप भगवान राम को भी कर सकते हैं, आप विष्णु स्वरूप हैं तो आप देखिए सहस्त्र भगवान विष्णु का जाप कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, वैसे तो मिलेगा ही मिलेगा क्यों, लाभ भाव में आपके बुध और शुक्र दोनों ही बैठ गए, गजब का संयोग बन रहा है। अब यहाँ मैं राहु की बात नहीं करूँगा, राहु की बात तो विदेश भाव से मैंने की थी कि विदेश भाव में आपकी सेक्स के मामले में थोड़ा गड़बड़ी थी, सेक्स संबंधी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कोई वस्तु बनाते हैं उसके व्यापार में लाभ था मेष राशि, लेकिन एक्स्ट्रा मेटेरियल फिर से दूर रही है। और मैंने बताया ना वृषभ राशि को तो लाभ भाव में बहुत बढ़िया है, और भाई मिथुन राशि के लिए तो ये 12वीं राशि 10वें भाव में आ गई तो मालभ राजयोग बन गया शुक्र का, क्यों केंद्र में आ गई, मालभ राजयोग अपार धन देगा, जॉब के क्षेत्र में बैठकर जॉब में तरक्की देगा, नया जॉब जॉब में प्रमोशन वेतन वृद्धि, और शुक्र साधनों में क्योंकि दृष्टि पड़ रही है 14 भाव पर तो लक्ष्मी नारायण योग से पैसा आएगा, मालभ राजयोग से पैसा आएगा, शुक्र साधनों पर दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। मिथुन राशि की बल्ले बल्ले कब, 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है भाई। और देखिए कर्क राशि के लिए 12वीं राशि आ गई लाभ भाव में, तो लाभ सॉरी भाग्य भाव में, नवे भाव में तो भाग्य भाव में आ गई, भाग्य वर्धन हो गया तो सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, भाग्य बढ़ गया, नौकरी में तरक्की हो गई, भाग्य बढ़ गया, व्यापार में तरक्की हो गई, और भाग्य भाव से बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए दृष्टि डालेंगे 3रे भाव पे पराक्रम भाव पे, तो पराक्रम से परिश्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, पूजा पाठ में विश्वास करेंगे आप, धार्मिक कार्यों में विश्वास करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। कर्क राशि वालों नवे भाव में आपके राशि है, नवे भाव में बुध और शुक्र है तो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, पिता से आपका अच्छा संबंध रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा योग है, तो मैं समझता हूँ कर्क राशि के लिए भी अच्छा योग बहुत बढ़िया। और देखिए अगली राशि मैं समझता हूँ अब जो आ रही है
वो सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए भाई ये जो है बुध का और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग अष्टम मामा बनता है, तो अष्टम में मैं बहुत ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा, क्योंकि अष्टम से देखिए धन भाव दृष्टि पड़ेगी, तो धन तो मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक धन मिलेगा, पुराना कोई धन रुका हुआ वो मिल जाएगा, अचानक वाले काम तो हो सकते हैं, अचानक से कोई अच्छा समाचार मिल गया, नया जॉब नया काम वो हो सकता है। रेगुलर धन का मैं कहूँ आमदनी होगी वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अष्टम में है आपके रोड़े बाधाएँ जो आ रहे हैं काम में वो तो दूर होंगे, पर अभी देखिए शुक्र का और बुध का ये अष्टम में जो योग है, हालांकि राहु भी है यहाँ पर है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहता हूँ, ठीक है अचानक धन का लाभ मिल रहा है, पैतृक संपत्ति मिल रही है और लक्ष्मी भगवान का भगवान राम का पूजा करिए, बृहस्पति की पूजा कीजिए, बृहस्पति को व्रत रखिए, कुछ तरक्की मिलेगी। देखिए जो अच्छी राशि हो सकती है और आगे वाली जिसके लिए कि मैं समझता हूँ छठी राशि, छठी राशि का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के लिए मीन राशि आ गई सातवें भाव में, तो सातवें भाव में मालव्य राजयोग बन गया शुक्र का, धन की तो संपत्ति तो खूब मिलेगी भाई, व्यापार में तरक्की मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा, शुक्र खुद बैठे हुए हैं, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है। लग्न में देखेंगे तो लग्न पर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आकर्षक रहेगा, सौंदर्य अच्छा रहेगा, शुक्र की दृष्टि से मनमोहक छवि रहेगी और बीमारियां दूर रहेंगी, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में देखिए राहु भी बैठे हुए हैं तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो संदेहात्मक कोई स्थिति बताने दी है जीवन में, अदरवाइज तो शुक्र और बुध की वजह से तो लक्ष्मी नारायण योग से तो बहुत अच्छा रहेगा सबको, तो मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए अच्छा बहुत लाभ बढ़िया है, कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आइए अच्छी राशियों में थोड़ी सिंह राशि थोड़ा कम थी, बाकी तो सब अच्छी अच्छी है। और भाई तुला राशि के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा तो है पर मैं ये समझता हूँ कि शुक्र का लक्ष्मी और बुध का लक्ष्मी नारायण योग हर राशि को कुछ न कुछ अच्छा ही देगा, लेकिन कुछ राशियों को बहुत अच्छा देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि छठे भाव में बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, छठे भाव से बारहवें भाव पर दृष्टि जाएगी, खर्चा होगा, विदेश जाएंगे तो लाभ होगा, शत्रुहंता शत्रु नहीं, और देखिए यहाँ रहेंगे तो जीवन में बैंक से लोन लेना कोई काम करने सब मिलेगा, पैसा फंस गया है तो आ जाएगा, नई नौकरी नया वेतनमान तुला राशि वालों को हो सकता है, दृष्टि पड़ रही है यहाँ से बारहवें में विदेश खर्चे के भाव में, तो मैं समझता हूँ तुला राशि को भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिंह राशि की भांति तुला राशि को भी मध्यम कहिए। और देखिए आगे राशि जो आई वृश्चिक राशि जो आई, वृश्चिक राशि के लिए ये बारहवीं राशि आ गई पाँचवें भाव में, तो पाँचवा भाव संतान का भाव, पाँचवा भाव मन इच्छाओं का पूर्ति का भाव, पाँचवा भाव शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन इंजीनियरिंग टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन ये सब में तरक्की मिलेगी, संतान को तरक्की मिलेगी, मन की इच्छा पूरी होगी और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, ग्यारहवें भाव से तो लाभ ही लाभ मिलेगा, लाभ का मतलब धन ही धन होता है, तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए तो अच्छा अति अच्छा है बढ़िया है, क्यों पंचम में बैठ करके ग्यारहवें में दृष्टि पड़ रही है। और देखिए अगली राशि है जो धनु राशि, इसके लिए ज़्यादा है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धनु राशि के चौथे भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है, चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध का शुक्र का युति बन रही है, चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि, धन धान से परिपूर्ण, नौकरी में तरक्की, क्यों जॉब के
भाव पर दसवें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, नया नया काम, नया वेतन मान बढ़ना। और देखिए व्यापार हो तो व्यापार में तरक्की, सरकारी काम हो सरकारी काम में तरक्की, जो भी काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है चौथे से सुख भाव से दसवें भाव पर, जॉब के भाव पर। तो मैं समझता हूँ धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, और सब तरह का सुख साधन में वृद्धि, लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए आप तो और अच्छा होगा। बृहस्पति का व्रत कीजिए, धनु राशि है ना, बृहस्पति की राशि है, पीला भोजन गाय को खिलाइए, पीला चंदन तिलक लगाइए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, बृहस्पति की पूजा कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का श्रेष्ठ नाम, विष्णु भगवान का श्रेष्ठ नाम का जाप कीजिए, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। तो धनु राशि के लिए चौथे भाव से ये बहुत अच्छा है। और देखिए धनु राशि के बाद अगली राशि जो आती है नंबर 10 की राशि, यानी मकर राशि। तो भाई मकर राशि के लिए ये 12वीं राशि आ गई तीसरे भाव में, तो मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। हालांकि थोड़ा अच्छा यूँ है कि तीसरे भाव से नवे भाव पर यानी भाग्य में दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र और बुध दोनों भाग्य वर्धन तो करेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे तो धन आएगा, पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा, काम में तरक्की मिलेगी, भाग्य बस हर का होगा, हर कार्य भाग्य के बस में होगा। तो मकर राशि को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं, अच्छा तो है। मैं कहता हूँ कि एक से लेकर 12 राशि के मेष से मीन तक हर राशि को अच्छा तो होगा। शुक्र धन के देने वाले हैं, बुध व्यापार में तरक्की देने वाले हैं, शुक्र प्रेम दाता सुंदरता के देने वाले, व्यापार में तरक्की देने वाले बुध, तो अच्छा तो हर एक का कर रहे हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो आप देखिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि जो है 11 नंबर की राशि जो कि पहले भाव में आती है, और 12 नंबर की राशि मीन राशि धन भाव में आ गई, तो कुंभ राशि के लिए भाई बहुत अच्छा है, क्यों धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनता है भाई, तो धन की बारिश तो होगी ही, बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। कुंभ राशि को धन भाव से बैठ करके अष्टम राशि पड़ेगी तो अचानक धन का लाभ मिलेगा, जीवन में रोड़े बाधाएं दूर होंगी, अचानक से पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक से देखिए कोई आप कोई ऐसा काम करते हैं गुप्त ज्ञान विद्या वाला यानी ज्योतिष का तंत्र मंत्र का, वो सबसे विशेष लाभ मिलेगा, क्यों धन से दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर, तो अचानक धन का आना हुआ। तो कुंभ राशि के लिए धन भाव में बैठे तो लाभ अच्छा लाभ है, दृष्टि भी अच्छी पड़ रही है। और आखिरी राशि देखिए मीन राशि है, मीन राशि के तो लग्न में ही देखिए बुध शुक्र आ गए, तो केंद्र भाव पहला भाव में मालव्य राजयोग बन गया, मालव्य राजयोग से धन मिलेगा, बुध शुक्र केंद्र में बैठ गए लक्ष्मी नारायण योग से धन मिलेगा। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की पूजा उपासना करिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीला तिलक लगाइए, भगवान विष्णु के श्रेष्ठ नाम का जाप कीजिए, बृहस्पति का उपवास रखिए, क्योंकि 12वीं राशि बुध और शुक्र लग्न में ही बैठे हुए हैं, सप्तम पर दृष्टि जा रही है, तो पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, शुक्र खुद देख रहे हैं आपके प्रेम को, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, संतान नहीं है तो संतान उत्पत्ति हो सकती है, विवाह नहीं हुआ विवाह हो सकता है, शुक्र और बुध दोनों ही सब कुछ दे रहे हैं आपको लग्न में बैठ करके, स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। मीन राशि मीन लग्न दोनों ये सब आप लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं, तो चाहे मीन राशि हो आपकी, चंद्रमा मीन राशि में हो, चाहे मीन लग्न हो, दोनों ही लोगों को आपको बहुत अच्छा ये लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र का मालव्य राजयोग गजब का। तो ये देखिए मैंने मेष से लेकर मीन तक हर राशि का बताया, कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ बताया, कुछ राशियों को सामान्य बताया। तो मित्रों अब देखिए मैं यहाँ से विदा लूँगा, निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करिए,
कमेंट्स में माँ गणेश आए नमा लिखिए तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्र। नमस्कार।